नमस्कार, मैं हूँ विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में कल गांधी जयंती के अवसर पर जातीय गणना को पब्लिश किया गया। जातीय गणना ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है। अगर जातीय गणना की बात की जाए तो बिहार में सबसे अधिक अति पिछड़ा यादव दलित मुस्लिम की आबादी है, वहीं सवर्णों की आबादी पहले से भी घट गई है। जातिगत जनगणना अब यह दर्शाने लगा है कि बिहार में अब 24 की राजनीति और 25 की राजनीति में किसकी दबदबा होगी। अगर स्वर्ण जाति की बात की जाए तो स्वर्ण जाति की संख्या बहुत ही कम है, जो चौंकाने वाला संख्या है, लेकिन हर क्षेत्र में वो आगे बढ़कर काम करते दिखते हैं। अगर जाति आधारित गणना जो पब्लिश की गई, बिहार की आबादी 13.7 करोड़ बताई जा रही है, 11 साल में 2.69 करोड़ की वृद्धि हुई। पिछड़ा वर्ग में अगर सबसे ज़्यादा आबादी वाला जात है तो वह यादव जाति है। यादव जाति पिछड़े वर्ग में सबसे अधिक आबादी वाले जात है। वहीं अगर सवर्णों की बात की जाए तो उसमें कायस्थ समाज सबसे कम संख्या में है। तो इसको समझने के लिए अब मैं आपको बता दूं कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के आंकड़ों के 1931 में हुई जातीय जनगणना के तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार राज्य में अति पिछड़ा यादव दलित मुस्लिम की आबादी बढ़ी है, जबकि सवर्णों की संख्या जिसमें चारों जाति शामिल है वो घटी है। अति पिछड़ा की आबादी 33% से बढ़कर 36.01%, यादव 10% से बढ़कर 14.26%, अनुसूचित जाति 14.1% से बढ़कर 19.65% एवं मुस्लिम की आबादी 12.5 से बढ़कर 17.70% हो गई है। सवर्णों की अगर बात की जाए तो सवर्णों की आबादी 13 से घटकर 10.56% हुई, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, लाला और भूमिहार शामिल हैं। ब्राह्मण की आबादी 7.4 की जगह घटकर 3.65% हो गई। भूमिहार 2.9% की जगह घटकर 2.86%, राजपूत 4.2% की जगह अब 3.45% एवं कायस्थ 1.2% से कम होकर 0.60% हो गई है। अब यह आंकड़ा यह स्पष्ट करता है कि बिहार में जो जातिगत जाति आधारित गणना, जातीय गणना जो यह महागठबंधन की सरकार ने जो कराई है, इस गणना के आधार पर यह आप कह सकते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसे उतना लाभ सरकारी मिलना चाहिए। जिस तरह जातियों की गणना हुई या पूरे देश में होनी चाहिए, अगर पूरे देश में होती है तो पूरे देश के जातियों का आंकड़ा पता चल पाएगा। इस जातीय गणना को करने में कई बाधाएं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आई, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाधाओं को पार करते हुए जातीय गणना को पब्लिश करके लोगों की आंखें खोल दी। अब समझ सकते हैं आप कि बिहार में अगर पिछड़ों की बात करते हैं तो पिछड़ों में सबसे अधिक आबादी यादवों की है। जो यादव की संख्या हमने आपको बताया 14.26% है,
अब आप सोच सकते हैं कि जिस आधार पर यादवों की संख्या है उस आधार पर यादवों को बिहार में चाहे राजनीतिक लाभ हो या सरकारी लाभ हो या अन्य सरकारी लाभ उस आधार पर प्राप्त नहीं हो रहा। अगर जातियों की बात की जाए तो यादवों को अधिक लाभ पिछड़ों के संख्या के आधार पर मिलनी चाहिए, इसलिए पिछड़ों में सबसे अधिक संख्या यादवों की 14.26% है। और आप यह जान लें कि बिहार के अलावे अन्य प्रदेश में भी जातीय गणना कराने की सुगबुगाहट हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी ने कहा है कि एनडीए की सरकार जब थी उसी समय जातीय गणना कराने की बात हुई थी। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया उप मुख्यमंत्री बिहार की कम समय में सर्वे के आंकड़े एकत्रित कर प्रकाशित कर बिहार में ऐतिहासिक क्षण का गवाह बिहार बना। दशकों से संघर्ष ने एक मील का पत्थर हासिल किया, वर्षों से लंबित जातीय आंकड़े मिले और सामाजिक आर्थिक स्थिति सामने आई। यह तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और नीतीश कुमार ने कहा कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो आंकड़े हैं आर्थिक स्थिति का भी पता चला और जातिगत जातों का भी पता चला कि कौन जात कितने हैं, उस आधार पर अब बिहार के मुख्यमंत्री काम करने की बात उन्होंने कहा है। मंगलवार यानी आज दिन के 3:30 विधानसभा के उन 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी जिनकी बैठक पहले की गई थी एवं जाति आधारित गणना के परिणामों से अवगत कराया जाएगा, यह नीतीश कुमार जी ने कहा है। और उधर बिहार के इस जातीय गणना पर राहुल गांधी ने भी स्पष्ट किया कि बिहार की जातीय गणना से पता चला कि वहाँ ओबीसी एससी एसटी की आबादी 84% है, इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है जिसकी आबादी उतना हक यह हमारा प्रण है, यह राहुल गांधी कहते हैं। तो जो भी हो लेकिन इस आंकड़े के आ जाने से जहाँ एक ओर स्वर्ण जाति की राजनीति अब धूमिल होगी वहीं यादवों का और पिछड़ों का राजनीति का उत्थान होगा। साथ ही साथ स्वर्ण जाति जिस तरह हुंकार भरते हैं और आपस में ही ताना तानी करते हैं और हर जगह अपने आप को आगे करते हैं, उन्हें अब पता चलेगा उनकी आबादी बहुत ही नगण्य है और वो हर जगह किस तरह हावी होते हैं। ऐसी स्थिति में अब बिहार में पिछड़ों दलितों शोषितों सबसे लास्ट पौदान में खड़े लोगों के आर्थिक स्थिति को जाना गया है और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए बिहार सरकार कृत संकल्पित है। बिहार की इस गणना के आ जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति धूल होते दिखते ही भाजपा के गिरिराज सिंह उछलने लगे और अनाप शनाप बकने लगे। चाहे जो भी हो जातीय जनगणना गणना आने से लोगों की आंखें खुली है, वर्षों बाद किसकी आबादी कितनी है बिहार में यह स्पष्ट हुआ, यह तय। इसका श्रेय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और लालू यादव को ही मिलना तय माना जा सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।